तो आपका भाई आ चुका ना, तो के अपना मास पढ़ने जाएंगे, ऑफ कैमरा में अदा करेंगे। ये देख सकते हैं कैसे लग रहे हैं, पता है कैसे लग रहे हैं, सही लग रहे हैं ख्याल से। हाय व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू वसी आसिफ व्लॉग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद जुम्मा मुबारक आप सबको मेरी तरफ से दिल से। अरे भाई कपड़ों में से इतनी बदबू आ रही है, लग रहा काफी टाइम से नहीं नहाए। चार बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को। कोई सामने आ गया ना तो कसम से वो तो गया। खैर ये बातें होती रहेंगी, जुम्मे कई दिन मिलते हैं ना, लेकिन ये सब मिला हम तो रोना आते हैं। तो जुम्मे की तैयारी भी करनी है, उससे पहले हम बता देते हैं आज 11:10 पर कुछ देर बाद स्टार्ट नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम है। और बताते आज हम फरहान को ड्रॉप कर चुके हैं, उसकी जगह साफ साथ फरहान को मौका दिया और मोहम्मद रिजवान को कीपर के तौर पर करेंगे। क्योंकि हर बार की तरह आप काम नहीं चले ना, 2021 में चले ना 2023 में ना अभी चले, दूसरों के आप हर बार नहीं चलते। खैर ये बातें बाद में करेंगे, बाबर आजम की थोड़ी बात कर लें, तैयारी वगैरह भी कर ली है। बाबर आजम दुनिया के नंबर वन बैट्समैन बन सकते, 23 मैचों में 397 अगर उन्होंने कर लिए तो वो दुनिया के नंबर वन बैट्समैन बन जाएंगे 10,000 में। और बता दें ये रिकॉर्ड किसका था, क्रिस गेल जो बादशाह था अपने टाइम का, ये छक्के पर ऐसे छक्के वो टाइम मैंने कभी देखा नहीं। ये जो उसमें भाई आपको क्या लगता है बाबा आजम तोड़ पाएगा या नहीं आज के मैच में, बाबा आजम 50 करेगा या सेंचुरी, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और रैया शाह आफरीदी में क्या परफॉर्म आएगा आज, विकेट ले पाएंगे या नहीं, सलमान खान कितनी लेंगे जरूर बताएं। तो इसकी बातें बात में करेंगे, जुम्मे का दिन तैयारी वगैरह काफ़ी भी खत वगैरह बता चाहते हैं, तो मिलते हैं कुछ देर बाद। A few moments later. तो आपका भाई आ चुका है खत को रखने के लिए, तो दिखाते हैं क्या क्या लुक लग रहा है। ये भाई ये देख सकते हैं, करवाई अभी हमने से ना छोटी करवाई, अगर रूप अच्छा लगे ना तारी का रूप तो अलग ही लगता है, आपको पता है बताने बड़े हो रहे भाई ये गर्मी का है ये। तो अभी आपको लग सही पता नहीं चल रहा होगा, जब नहा धो के आएंगे सही से, जब पता चलेगा कैसे है कैसे नहीं, तो बता देते। मैच तो स्टार्ट हो गया, टॉस न्यूजीलैंड ने जीता, रूस की बॉलिंग पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है, बताएंगे सबसे पहले। नहा धो के आ जाए ऑफ कैमरा में नमाज अदा करके आप अंतर मिलते हैं कुछ देर बाद। 2,000 years later. तो आपका भाई आ चुका है ना, तो के अपना मास पढ़ने जाएंगे, ऑफ कैमरा में अदा करेंगे। ये देख सकते हैं कैसे लग रहे हैं, पता है कैसे लग रहे हैं, सही लग रहे हैं ख्याल से। तो चलते जल्दी से नमाज अदा करते हैं, तो मिलते हैं कुछ देर बाद नमाज के बाद। 1 hour later. का भाई आ चुका है ऑफ कैमरा में नमाज अदा करके, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का बताने से पहले पाकिस्तान ने क्या किया क्या नहीं, क्या टारगेट दिया क्या नहीं, कौन जीता कौन हारा बताते हैं उसका भी, उससे पहले ये बता देते हैं। सॉरी, जैसे कि आप लोग जानते हैं एक रिकॉर्ड था वो के जो बाबर आजम ने तोड़ दिया, हमारे मुगले आजम बॉबी भाई किंग ने रिकॉर्ड तोड़ दिया,
विराट कोहली रोहित शर्मा का एक टाइम पे कहते थे इनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता था। T20 में 2350 की भी थी और हमारे बाबर आजम, मुगले आजम वो अभी भाई ने वो तोड़ दिया रिकॉर्ड, 2450 कर चुके हैं। अब इंडिया वाले डर रहे, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है बाबर आजम को कप्तानी से हटा के। श्रद्धा कपूर से तूने इसकी आरती छबरिया निकाली है, वेरी गुड पुट्ठा। जैसी करनी वैसी ममता कुलकर्णी। अब ये लोग खुद बोल रहे देख नहीं आप लोगों ने। खैर अब बुरा जितना टाइम आ रहा था आ चुका है, सिर्फ बुरा आएगा, बाबर अब नहीं रुकेगा, वो कोहली का भी रिकॉर्ड एक और तोड़ेगा, 4000 जो है रन तोड़ते हैं। रोहित को तो छोड़ दिया उसने पीछे, रोहित से आगे निकल चुका है। खैर आपको क्या लगता है बाबर आज आने वाले मैचों में कैसे परफॉर्म करेगा, ये मुझे समझ नहीं आया। मोहम्मद हफीज और शाहिन शाफी ने क्या सोच समझ के इनकी ओपनिंग पार्टनर 7000 के रन तेन के क्या सोच के आजमाना चाहते थे, क्या नहीं, क्या खराबी लगी है दोनों इतना अच्छा परफॉर्म करते थे इनकी पार्टनरशिप में, क्यों हटाया। मिल गया ना तीन मैचों में ये होगा और चौथे मैच में भी मिल गया होगा, बताते हैं हुआ क्या। पाकिस्तान बैटिंग पर आए, साइम अयूब तो पहली गेंद पर आउट हो गए, उन्हें समझाया भी था आराम से खेलना, चल बाती में आ गए एक रन पर, वो एज निकला कैच हो गया। फिर हमारे बॉबी आए, क्या खेला उन दोनों ने रिजवान और बाबर आजम ने, बाबर भी आउट हो गए लेकिन 19 रन पे एक छक्का दो चौके, वेल 10 बाबर आजम नेक्स्ट टाइम। फकर समान चल नहीं रहा, ना फौजी चला ना हमारे चाचू चले, फौजी 15 पर आउट हो गए, ना कोई छक्का ना कोई चौका, और चाचू से जो हम उम्मीद लगाई थी एक्सप्रेशन की हुई थी वो तो हमारे नवाज की, अरे भाई उनके अलग टेंशन होते लाइफ उड़ का देखा है, 3 छक्के लगातार बाउंड्री के बाहर, उसकी वजह से मैच 159 पर पहुंचा, वरना कभी नहीं पहुंच सकता था ये मैच 159 पे। रिजवान नॉट आउट, 90 रन बनाए, रिजवान ने भी बहुत अच्छा किया, रिजवान के 2 छक्के 6 चौके, नवाज ने सिर्फ छक्के ही लगाए, 3 एक साथ लगाए था, वो लोग डर गए थे। आप ये नहीं भूले पहले T20 वर्ल्ड कप में भी नवाज ने इंडिया से इनको जितवाया था, नवाज को भेजा करो हम 4th नंबर पे, वो खेल कभी कभी नहीं चलता वरना वो चल जाता, नवाज को आप एंड में भेजो, लेकिन उसने भी काफ़ी अच्छा काम किया। पाकिस्तान की 5 विकेट गिर चुकी थी 159 का टारगेट, शुरू में लगा शाहिन शाह अच्छा परफॉर्म कर रहा, 3 विकेटें ले चुका था, लेकिन उनके जो दो आए भाई बड़े खतरनाक, एलियन एनियर को तो आउट कर दिया था शाहिन शाह ने, आउट रन पे भाई दो आए, एक में 72 एक में 70, दोनों की पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी थी, 120 की पार्टनरशिप भाई ख़त्म भी कर लिया, वो जीत गए भी, 11 बॉले पहले ख़त्म कर लिया, 7 विकेटों से वो ऑन कर चुके हैं। न्यूजीलैंड में हम नहीं जीत सकते, और T20 में किसी का ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, बाबर आजम ने 2018 में न्यूजीलैंड की इनिंग में की थी 50 बगैर डॉट बॉल खेले हुए,
50 की थी, आज तक ऐसा कोई नहीं आया बंदा। मुझे लगता है उन लोगों ने गलत किया, काफ़ी गलत किया है। उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं तोड़नी चाहिए थी, दोबारा वही ओपनिंग पार्टनरशिप करो। क्या आसमान वाली कप से फरहान लाता चला, साहेब फरहान ज़्यादा भी नहीं चला। इरफान ने इस बार बहुत अच्छा खेला, वेल प्लेयर इरफान नेक्स्ट टाइम। अभी पी एस एल आने वाला, उस पर भी वर्ल्ड कप से नहीं कोई टीम है भाई, इस टीम से जाएंगे तो कोई नहीं होगा, सिर्फ हार ही मिलेगी। तो हमारा यहीं तक था, हार गया हमेशा की तरह पाकिस्तान। अगर ज़्यादा का टारगेट मिलते देते ना ये लोग, तो जीत सकते थे हम शायद। खैर अब हार गए, हार जीत होती है, जब हम कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट मैच 21 जनवरी को इतवार के दिन है, वो सुबह के टाइम होगा 5:10 पे। अब देखते उसमें कौन जी, न्यूजीलैंड के चांस लग रहे हैं, उसमें भी चीज नहीं है। तो आप क्या लगते कौन जीते को कौन नहीं, तो कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग छोटा सा बताए जरूर, लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया, मूवी कर दे और बेल आइकन के बटन को दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू ब्लॉग नेक्स्ट न्यू शो में। अल्लाह हाफिज़।